हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आज बसपा की प्रदेश स्तरीय समीक्षा मीटिंग में एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा से पदाधिकारी माया प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष हैं साहिबाबाद विधानसभा की, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगभग कई सालों बाद आज ये एक ऐसी जो समीक्षा मीटिंग है वो हुई है, कैसा लग रहा है अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर और क्या मोटिवेशन आपको मिला? मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये मैं जो मीटिंग कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता है, लोगों को जागरूक करना और ये मीटिंग्स वगैरह करना, लोगों के लिए तत्पर रहना, उनके लिए काम करना, उनको सही दिशा दिखाना। अच्छा, आप पूरे साहिबाबाद क्षेत्र में, जैसा कि मैंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, आप अकेली उसकी अकेली महिला सेक्टर अध्यक्ष हैं, तो कैसा लगता है कि आज जो महिलाएं हैं बहुजन समाज की महिलाएं वो घर से निकल रही हैं, ऐसे ऐसे पदों पर आ रही हैं, कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं 2019 के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगता है सेक्टर में काम करके, ये बसपा के लिए काम करके, बट ये है कि मैं एक अकेली महिला हूँ, मैं बाकी महिलाओं को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ और बहुत अच्छा होगा कि मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ें और अपने घर से निकलें और लोगों को संबोधित करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं और मेरा भी साथ दें और इस मिशन का साथ दें। बसपा में आपको कितने दिन हो गए या कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को बसपा में ज्वाइन हुए 15 साल हो गए और 15 साल से मैं रेगुलर बसपा के लिए ही काम कर रही हूँ, बाकी किसी भी दूसरी अदर पार्टी के लिए कोई काम नहीं करती हूँ। चाहे मैं भले ही मैं घर में बैठूँ बट मुझे किसी दूसरी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय बसपा के। मैं BSP को ही वोट करना चाहती हूँ और सब लोगों को संबोधित करना चाहती हूँ कि सभी लोग मेरे साथ आएँ, जुड़ें और BSP को वोट करें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। 2019 में बहन मायावती, हमारी बहन जी जो हैं उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएं। जो बहुजन महिलाएं हैं, आप तो पढ़ी हैं, लिखी हैं, शहर में आ गई हैं, लेकिन जहां तक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे हैं और शायद जहां तक ये मेरा मोबाइल TV पहुंच पाए, उन महिलाओं को आप क्या 2019 के लिए संदेश देना चाहेंगी? मैं उन सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं अपने घरों से निकलें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए आगे आएं और इस देश में पहल करें और हमारे साथ जुड़ें और ये जो हमारा बहुजन समाज पार्टी में वोट करें और अपनी वोट बनवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित करें, इस देश को सुरक्षा के लिए हमारी देश की महिलाओं की बहुत बड़ी ज़रूरत है। साथियों, बहुजन समाज ने ठाना है बहन मायावती जी को इस बार बहुजन प्रधानमंत्री बनाना है। माया प्रसाद जी, जैसा कि मैंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा उसकी पदाधिकारी हैं और महिलाएं चूंकि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा इनको काम करने में, लेकिन फिर भी वो लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको भी माया जी की तरह बनकर, उनकी तरह, उनकी तरह सोचकर कहीं ना कहीं इस बार 2019 में बहन कुमारी मायावती जी के लिए इस जो प्रधानमंत्री का पद की जो दावेदार हैं वो उसको सशक्त करना चाहिए। बने रहे समता आवाज़ TV चैनल पर, मैं मनोज अंतानी। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।